तो हम लोगों ने जो टॉपिक अभी शुरू करना है, दिस टॉपिक इज क्लचेस एंड ब्रेक्स। ठीक है, विल ट्राई टू इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक टुडे। ज्यादा बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, न्यूमेरिकल्स वगैरह की साइड पे आज नहीं जाएंगे। एंड विल ट्राई टू स्पेंड लाइक 4, 5 और 6 लेक्चर्स ऑन दिस थिंग। तो दिस विल बी द लास्ट मेजर टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू यूज। इसके बाद एक माइनर, अगर हमारे पास 1-2 लेक्चर्स के लिए हम कुछ की वेज वगैरह से रिलेटेड चीजें डिस्कस करेंगे, बट दिस इज एक्चुअली द लास्ट मेजर टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। तो व्हाट यू यू हैव एक्चुअली अ फेयरली गुड आइडिया आपकी जनरल नॉलेज से कि व्हाट दिस एक्चुअली जो एलिमेंट्स जो है क्लचेस और ब्रेक्स व्हाट दे डू। ठीक है, तो ब्रेक्स का मेन पर्पस क्या होता है? ब्रेक्स का पर्पस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। यू वॉन्ट टू रिमूव काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम अ बॉडी, राइट? एंड यू हैव टू शाफ्ट्स। अच्छा, जो आपके क्लचेस होते हैं, ब्रेक्स होते हैं, दे आर एसेंशियली द सेम कॉम्पोनेंट। ठीक है, देयर मैकेनिज्म इज सेम। आप सेम चीज को एज अ क्लच भी यूज कर सकते हैं और एज अ ब्रेक भी यूज कर सकते हैं। तो विल टॉक अबाउट दिस इन स्लाइड। जब एक स्लाइड हम स्कीमेटिक आएगी उसमें जाके वी कैन टॉक अबाउट दिस। बट इन जनरल वी नो कि एक ब्रेक जो होती है दैट रिमूव्स काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम अ बॉडी, एंड वी यूजली टॉकिंग अबाउट रोटेटिंग बॉडीज। ठीक है, और जो भी एनर्जी आ रही होती है जो कि आप बॉडी में से काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, यू डिसिपेट इट थ्रू हीट मेनली। ठीक है, मेन फॉर्म ऑफ डिसिपेशन जो होती है दैट्स हीट। क्लचेस का पर्पज इज डिफरेंट। द पर्पज ऑफ क्लचेस इज वॉट? द पर्पज ऑफ अ क्लच इज टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम अ रोटेटिंग शाफ्ट। बेसिकली ड्राइवर शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट करनी होती है। ठीक है, एंड दिस दे अलाउ द ड्राइविंग शाफ्ट एंड द ड्रिवन शाफ्ट टू एंगेज एंड डिसएंगेज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब ऑफ अ क्लच। दिस इज वॉट अ क्लच डज इन योर ऑटोमोबाइल एज वेल। तो इट्स जॉब इज कि जो आपका प्राइम मूवर होता है, द प्राइम मूवर इज द पार्ट विच एक्चुअली इज प्रोवाइडिंग द पावर that runs the entire mechanism. That thing is known as a prime mover. A prime mover can be an electric motor. A prime mover can be an engine as well. ठीक है, तो अगर आपके पास क्लच का सिस्टम नहीं हो एंड यू आर ऑपरेटिंग अ मशीनरी एट अ स्पीड एंड यू वॉन्ट टू चेंज द स्पीड, यू विल हैव टू टर्न ऑफ योर इंजन एंड दैट इज नॉट फीजिबल एवरी सिंगल टाइम। तो द जॉब ऑफ द क्लच इज कि इट कैन एंगेज एंड डिस एंगेज द ड्रिवन शाफ्ट फ्रॉम द प्राइम मूवर। तो आप सिर्फ क्लच को डिस एंगेज करके यू कैन सेपरेट द एंटायर मैकेनिज्म एंड योर इंजन और द इलेक्ट्रिक मोटर कैन आइडल फॉर सम टाइम। इट विल कीप रनिंग बट इट विल नॉट बी हैविंग एनी अपोजिंग टॉर्क टू ओवरकम। ठीक है, किसी किस्म का कोई उसको रिएक्शन नहीं फील करना पड़ेगा, फ्रीली रोटेट कर रहे हो। ठीक, तो टाइप्स पे आ जाते हैं। जो टाइप्स हमने इसमें सब कुछ टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। पहली जो टाइप है हमारे पास दैट इज रिम ब्रेक्स एंड क्लचेस। रिम ब्रेक्स एंड क्लचेस आर द टाइप जिसमें व्हाट इज द पार्ट ऑफ द रिम? द रिम इज दिस पार्ट राइट हियर। जो आपके पास आपका जो भी एक सॉर्ट ऑफ ड्रम होता है, ठीक है, एंड दिस इसके अंदर आपके पास इसके जो जो भी ये सर्कमफेरेंशियल एरिया है, दिस इज नोन एज द रिम। ठीक है, जो रिम के साथ जो भी अगर आपके पास कोई ब्रेक या क्लच के कोई दो पार्ट्स मीट कर रहे हैं इस सरफेस के ऊपर, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज अ रिम ब्रेक और अ क्लच। बोथ 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 थिंग्स आर पॉसिबल। आपके पास एक ड्राइवर शाफ्ट है, एक ड्रिवन शाफ्ट। ठीक है, अगर इनमें से एक शाफ्ट स्टेशनरी है देन दिस इज अ ब्रेक। अगर दोनों शाफ्ट ड्राइवर और ड्रिवन दोनों रोटेट कर रही हैं, देन इट्स अ क्लच। तो सेम मैकेनिज्म कैन बी यूज एज अ क्लच एंड अ ब्रेक। ठीक है, सिर्फ ये फर्क है कि किसी एक शाफ्ट को आपने ग्राउंड किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। ठीक है, रिम ब्रेक से दो टाइप्स हो सकती हैं। यू कैन आइदर हैव इंटरनली एक्सपेंडिंग ब्रेक्स। ठीक है, इंटरनली एक्सपेंडिंग ब्रेक्स इज दिस अरेंजमेंट। तो आपके पास एक इस किस्म का आउटर रिम है
अंदर आपके पास आपके ब्रेकिंग पैड्स हैं एंड दे कैन एक्सपेंड एंड दे कैन पुट प्रेशर ऑन दिस वॉल, जिसकी वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होती है एंड योर बॉडी स्टॉप्स. दीज आर द ड्रम ब्रेक्स विच आर प्लेस्ड इन योर कार्स रेयर व्हील्स. ठीक है, दीज आर नोन एज द इंटरनली एक्सपेंडिंग रिम ब्रेक्स एंड दिस इज एक्चुअली प्रेजेंट इन योर कार. देर इज अनदर पॉसिबिलिटी कैन यू कैन हैव एन एक्सटर्नली कॉन्ट्रैक्टिंग रिम ब्रेक्स विच इज दिस अरेंजमेंट हेयर. तो इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस जो आपके पास ब्रेकिंग जो आपके पास कॉन्टैक्ट क्रिएट करने के लिए आप किसी चीज को एक्सपेंड करा रहे हैं, दूसरी अरेंजमेंट में आप किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं विच इज समथिंग लाइक दिस. तो द रिम इज प्रेजेंट ऑन द इनसाइड एंड द एक्चुअल फ्रिक्शन मटीरियल इज ऑन द आउटर ब्रेकिंग सर्फेस. ठीक है, तो वॉट यू कैन डू इज यू कैन ब्रिंग दिस सर्फेस डाउन, जो बाहर वाला सर्फेस है, सो दैट इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद दिस रिम विच कैन कॉज द फ्रिक्शन. तो रिम ब्रेक्स की दो टाइप हो सकती है, दे आर वेरी वेरी सिमिलर इन टर्म्स ऑफ द मैकेनिक्स ऑफ द सिस्टम. ठीक है, बट जो आपके पास जो मैकेनिज्म है दैट इज डिफरेंट. एक में इंटरनली एक्सपेंड हो रहा है, दूसरे में एक्सटर्नली कॉन्ट्रैक्टेड. देर इज अ बैंड टाइप अरेंजमेंट. दिस इज एन अरेंजमेंट, इसकी यहाँ पे स्कीमेटिक मैंने नहीं दी हुई. दिस अरेंजमेंट इज बेसिकली जब आपके पास कोई फ्लेक्सिबल मटीरियल हो विच इज विच इट इज सिमिलर टू एन एक्सटर्नली कॉन्ट्रैक्टिंग सिस्टम, बट इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस सॉर्ट ऑफ रिजिड थिंग, आपके पास एक बहुत सॉफ्ट सा मटेरियल हो सकता है विच यू कैन, जिसमें आप टेंशन प्रोवाइड करते हैं. तो यू कैन हैव लाइक अ फ्रिक्शन बैंड सॉर्ट ऑफ थिंग, और उसमें अगर आप टेंशन प्रोवाइड करेंगे वो इसी तरीके से जिस तरीके से ये आपका एक्सटर्नली कॉन्टैक्ट में आ जाता है, द बैंड कैन ऑल्सो कम इन एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट एंड फ्लेक्सीबल मटीरियल होगा और उसको वंस इट कम्स इन कॉन्टैक्ट इट कैन कॉज फ्रिक्शन विच कैन स्टॉप योर बॉडी, या फिर क्लच के केस में दोनों जो शार्ट्स हैं उनकी स्पीड को सेम करा दें. फाइनल टाइप इज एक्सियल ब्रेक्स एंड क्लचेस, एंड दिस इज आल्सो समथिंग विच वी ऑलरेडी हैव मेनली इन अवर कार्स. तो अगर हम कार्स के रेफरेंस से देखें तो जो आपके पास फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट एक्सियल क्लचेस होते हैं, दिस इज दिस वन, दिस इज द क्लच दैट यू हैव इन योर कार. ठीक है, तो ये आपके कार का जो क्लच होता है इसमें आपके पास आपने करना क्या होता है, हमारे पास जो क्रैंकशाफ्ट होती है इंजन की उसको गियर बॉक्स से हमें या तो एंगेज कराना होता है या डिसएंगेज कराना होता है. डिफॉल्ट पोजीशन ये है कि आपकी शाफ्ट एंगेज रहेगी, बट व्हेन यू जब आप क्लच पेडल को प्रेस करते हैं तो आपकी शाफ्ट डिसएंगेज हो जाती है. तो इट डिपेंड्स कि आपने अरेंजमेंट किस तरीके से की हुई है, वेदर योर डिफॉल्ट पोजिशन इज एंगेज और डिसएंगेज. In the case of a car, the default position is engaged. Pedal press करने से चीज disengage हो जाती है. This thing at the back here is your flywheel. ठीक है, और flywheel के साथ हमारे पास ये आगे की पूरी arrangement जो लगी हुई है, this is your clutch. इसके अंदर clutch plate है और ये पूरी चीज जो है ना, ये पूरा mechanism आपके flywheel के साथ जाके बोल्ट हो जाएगा. तो देर आर बोल्ट प्रेजेंट, ये जो बोल्ट होल्स हैं ये सारी चीज फ्लाईव्हील के साथ अटैच हो जाएंगे. दिस बोल्ट गोज हियर, दिस वन गोज हियर, देयर इज वन हियर व्हिच गोज हियर. तो द एंटायर थिंग इज बोल्टेड टुगेदर. बीच में ये प्लेट है एंड देयर इज अ प्लेट ऑन दिस आउटर सर्फेस एज वेल, दे कम इन कॉन्टेक्ट. ठीक है, फिर एक बेयरिंग होता है क्लच का विच पुशेज ऑन दीज, ये जो आपको यहाँ पे सॉर्ट ऑफ फिन्स से नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर एक एक्चुअली एक कॉन्टेक्ट क्रिएट करता है एक बेयरिंग से आके, इट हिट्स दिस विच कॉजेज दिस थिंग टू गो इनवर्ड्स. इसके अंदर का मैकेनिज्म इस तरीके से डिजाइंड है कि वंस दीज प्लेट्स गो इन, जो जो इस आउटर शेल की जो प्लेट है फ्रिक्शन प्लेट जो कि इस वाली प्लेट के साथ कॉन्टेक्ट में आ रही है, वट हैपन्स इज दिस इज पुल्ड बैक. बाई डिफॉल्ट ये चीज पुश हो रही होती है प्लेट के साथ, लेकिन जब आप इसको यहां से पुश करते हैं then the plate contracts into this shell. Gap create होता है तो आपकी चीज disengage हो जाती है. तो जब आपका clutch press होता है तो the actual thing that is happening is this thing is being pressed. This thing is pressed, जो clutch is disengaged. जब आप pedal को release करते हैं जो bearing है जो कि उसको push कर रहा होता है that goes back and your contact is re-engaged. ठीक है, this is how it works.
So this is the axial clutch that we normally have in our cars. Then we have disc brakes. Disc brakes is also axial brakes. क्यों? क्योंकि हमारे पास एक प्लेट है, ठीक है, एक हमारे पास ये ब्रेक है. दिस ब्रेक इज अ पार्ट ऑफ एन एनुलस. तो अगर हम इसको इस तरीके से देखें, तो इफ आई जस्ट गो हियर एंड आई ट्राई टू ड्रॉ दिस थिंग, तो व्हाट वी कैन हैव इज वी कैन हैव अ प्लेट, और इस प्लेट के ऊपर आई कैन एक्चुअली हैव टू प्लेट्स लाइक दिस which can come in contact axially. ठीक है, बट मैं और क्या कर सकता हूँ. What I can also have is I can have only a part of this right hand side thing. इसका मैं सिर्फ एक part को contact में ला सकता हूँ, but this is still in axial arrangement. ठीक है, in a disc brake you have an arrangement like this. तो आपके पास complete पूरी डिस्क नहीं होती, यू ओनली हैव अ पार्ट ऑफ द डिस्क, बस दिस दैट द शाफ्ट्स व्हिच आर बीइंग एंगेज्ड एंड डिसएंगेज्ड आर स्टिल एक्सियल. ठीक है, तो ऑल्दो यू डू नॉट हैव अ कंप्लीट डिस्क अवेलेबल इन दिस पार्ट इन दिस ब्रेक के अंदर, बट देयर इज स्टिल एन एक्सियल टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ब्रेक्स. ठीक है, एक और अरेंजमेंट होती है विच इज नॉट इन यूज अ लॉट. दीज आर नोन एज कोन क्लचेस एंड ब्रेक्स. तो थोड़ी सी कोनिकल शेप की आपके पास ब्रेकिंग आपका जो एक सरफेस होता है कोनिकल शेप में होता है, दूसरे वाले के अंदर कोनिकल स्पेस होती है, एंड व्हेन यू पुश इट इन एक्सियली दे कैन कम इन कॉन्टेक्ट. ठीक है, दिस इज नॉट यूज्ड अ लॉट नाउ. इसमें कुछ सेल्फ लॉकिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं. वी विल फाइंड आउट कि सेल्फ लॉकिंग इज ऑल्सो पॉसिबल इन ब्रेक्स, बट इन दिस केस विल लर्न दैट सेल्फ लॉकिंग इज नॉट अ डिजायरेबल क्वालिटी. ठीक है, बोर्ड्स में हमने सेल्फ लॉकिंग पढ़ी थी एंड देयर वी फाउंड आउट कि सेल्फ लॉकिंग इज एक्चुअली गुड. जब हम पावर स्क्रूज के अंदर सेल्फ लॉकिंग करते हैं, देन वी डू नॉट नीड टू कॉन्स्टेंटली अप्लाई अ टॉर्क इन ऑर्डर टू लिफ्ट समथिंग अप एंड होल्ड इट देयर, राइट. बट इस केस में सेल्फ लॉकिंग इज नॉट अ गुड क्वालिटी, बिकॉज इफ अ ब्रेक सेल्फ लॉक्स, या आपने ब्रेक अप्लाई की एंड इट सेल्फ लॉक्स, इट मींस बेसिकली व्हाट, कि आपकी ब्रेक जो है वो अब लगी हुई है, यू कांट एक्चुअली ब्रिंग इट बैक बिकॉज इट इज सेल्फ लॉक. तो सेल्फ लॉकिंग इन द केस ऑफ ब्रेक्स वी लर्न दिस थिंग. मैं सिर्फ अभी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. तो वी लर्न दैट दिस थिंग इज नॉट अ डिजायरेबल क्वांटिटी एंड वील हैव टू साइज अवर ब्रेक्स प्रॉपरली टू इंश्योर के सेल्फ लॉकिंग नहीं हो. ठीक, तो दीज आर द बेसिक टाइप्स. अगर हम बिल्कुल बेसिक सा फंडामेंटल से स्ट्रक्चर अपने मैकेनिज्म का देखें स्कीमेटिक, तो व्हाट वी हैव इज वी हैव टू डिफरेंट शाफ्ट्स. दोनों का अपना इनर्शिया है I1, I2, दोनों की अपनी स्पीड है ओमेगा 1, ओमेगा 2, एंड द बेसिक आइडिया फॉर द क्लच और द ब्रेक इज कि यू नीड टू ब्रिंग बोथ द शाफ्ट्स एट द सेम स्पीड. दैट इज ट्रू फॉर अ क्लच एंड दैट इज ट्रू फॉर अ ब्रेक. दोनों केसेस में ट्रू है, सही हो गया. तो अब इन केस ऑफ अ ब्रेक ओमेगा वन या ओमेगा टू में से कोई एक चीज जीरो हो सकती, बट अगेन हमने करना यही है कि हमें दोनों की स्पीड को सेम कराना है. तो अगर एक ओमेगा, लेट्स से ओमेगा टू जीरो पे है, तो हम ओमेगा वन को भी जीरो पे लाना चाह रहे हैं, दैट्स अ ब्रेक. बट अगर आप इस तरह काम कर रहे हैं कि आपका इंजन ऑपरेट कर रहा है एट अ सर्टन आरपीएम एंड यू वॉन्ट टू ब्रिंग योर ड्रिवन शाफ्ट, जो कि आपकी किसी मशीन को मूव करा रही है एट द सेम स्पीड, देन यू जस्ट नीड टू इंश्योर के ओमेगा वन ओमेगा टू आपस में मैच कर जाए. ठीक है, तो दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ अ क्लच एंड अ ब्रेक. यू हैव टू डिफरेंट शाफ्ट जिनकी स्पीड को आपने मैच करा. इसके लिए डिफरेंट टाइप की हमारे पास ज्योमेट्रीज और मैकेनिज्म्स हैं क्लचेस और ब्रेक्स के, विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. ठीक, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ टाइप ऑफ ब्रेक्स एंड क्लच विच आर मेनली कॉल्ड फ्रिक्शन ब्रेक्स एंड क्लचेस. ठीक है, तो हमारी जितनी भी यहाँ पे हमने अरेंजमेंट यहाँ पे देखी थी, ऑल ऑफ दीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन. तो देर इज गोइंग टू बी स्लिपेज इन ऑल ऑफ देम. ठीक है, बिकॉज वी आर यूजिंग फ्रिक्शन एज अ मैकेनिज्म, एज अ मीन्स टू ट्रांसमिट पावर बिटवीन द टू साइड्स.
the only way we are transmitting power from one side to the other is friction. There are other types of brakes and clutches as well, mainly clutches, not brakes. And what happens is that you have positive contact things, which is something like a gear sort of arrangement. In that case, you do not have any sort of slipping involved, but we are not going to talk about this. They are not used in high speed applications, very low speed applications. So the types that are covered in our course outline are the types which we call friction, clutches and bearings. Take it from friction, clutches and bearings to focus that. ठीक हो गया अच्छा तो फर्स्ट टाइप दैट वी नीड टू टॉक अबाउट इसकी हम थोड़ी सी इस आज की क्लास में विल लुक एट द मैकेनिक्स ऑफ दिस थिंग और अगली क्लास में विल टॉक अबाउट अ न्यूमेरिकल ऑफ दिस प्रॉब्लम एज वेल एंड देन विल मूव ऑन टू अदर टाइप्स ठीक है तो द आइडिया इज कि हम लोग कुछ टाइप्स विल बी एबल टू कवर लाइक 3 or 4 टाइप्स और उनकी मैकेनिक्स को हम डिटेल में थोड़ा सा देखें तो व्हाट डू वी वांट टू डू व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू फाइंड आउट बेसिकली इन दिस केस हमारा काम क्या है हमारा काम यह है कि हमें यह निकालना है कि जब किसी तरीके से अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट दिस ज्योमेट्री तो ये हमने अभी आउटर रिम ड्रॉ नहीं किया ठीक है आउटर रिम इज आउटसाइड हियर सो दिस इज द इंटरनल ज्योमेट्री ठीक है आउटर रिम यहां पे कहीं पे है दिस इज द ब्रेकिंग पैड जो आपका है और इसको ये मैकेनिज्म है विच इफ आई अप्लाई अ फोर्स हियर दिस कैन पुश दिस ब्रेकिंग सरफेस जो आपका फ्रिक्शन सरफेस है ऑन द आउटर रिम तो आउटर रिम इज एक्चुअली ऑन द आउटसाइड ऑफ दिस थिंग तो आउटर रिम आपका यहां पे है ठीक है द आउटर रिम इज हियर सही And the outer rim is rotating. So this think of the outer rim as your wheel. And this internal arrangement is attached to the chassis of your car. So ये पूरा mechanism जो है this is not rotating. ठीक है this entire thing is stationary. The outside rim is rotating. So ये rim की जो rotation है this is not the rotation of this body. If the rim is rotating in the clockwise direction in relation to the rim. This thing is rotating in the anti-clockwise direction. This can be understood with a very simple translation phenomenon. So, if you have a box, the box moves in this direction. Okay. Box pe agar koi friction act kar rahe ho ki, what will be the direction of friction on the box? It will be opposite to the motion. Okay. So. Let's say this is your friction, this is your the direction of motion. ऐसे होता है. What will be the friction acting on the surface? The friction acting on the surface will be in this direction. Because ये पूरी चीज in contact में है तो जब भी कोई अगर आप इस पूरी चीज को देख रहे हैं then this the surface here, the contact surface is actually an internal surface. तो जब इसको मैं open करूंगा तो मेरे पास जो भी force create होगी that is going to be The same magnitude on both the surfaces and in opposite directions. ताकि जब मैं इसको वापस contact में लेके आऊँ, this thing should cancel out. दोनों forces, internal forces को जब हम वापस contact में लाते हैं, they are removed. कहने का मकसद ये क्यों था यहाँ पे? कहने का मकसद ये था कि जब आपके पास rim इस direction में act कर रहा होगा, तो there is going to be friction in this surface. तो जो आपके पास rim है रिम को जो फ्रिक्शन फील हो रही होगी इट विल बी ऑपोजिट टू द रोटेशन बट आपके पास जो इंटरनल ब्रेकिंग मटेरियल है तो इफ दिस इज योर ब्रेक शू दिस कम्स इन कॉन्टेक्ट हेयर इसको जो फ्रिक्शन फील हो रही होगी दिस इज गोइंग टू बी ऑपोजिट टू द वन फेस बाय द रिम ठीक है क्योंकि ये इंटरनल है ना दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा व्हेन दे कम इन कॉन्टेक्ट दे नीड टू बी दे नीड टू कैंसिल ईच अदर ठीक है So this friction we are going to use in our solution as well. इस system में हमारे पास different type की forces add कर रही हैं. There is a normal force. जब भी मैं ये यहाँ पे this actuating force है मेरे पास एक F. ये actuating force मैं किसी न किसी mechanism से apply कर रहा हूँगा. This could be hydraulic, like in the case of a car. This could be electric. Electric brakes भी होती हैं. This could be pneumatic. This could be mechanical. Just with a wire you can push this thing. ठीक है?
लाइक इन हैंड ब्रेक, हैंड ब्रेक नॉर्मली जो होती है आपकी जस्ट मैकेनिकल हैंड ब्रेक्स होती है मेनी टाइम्स, ठीक है. तो वो व्हाट वी हैव इज वी हैव सम सॉर्ट ऑफ एक्चुएटिंग फोर्स व्हिच पुशेस दिस ब्रेक शू लेट्स से अगेंस्ट द रिम. ठीक, हम लोगों ने अरेंजमेंट को इस तरीके से कंसिडर किया हुआ है कि वी हैव अ पिवट ए है, तो इस पॉइंट पे आपका ये जो पूरा शू है लेट्स से दिस थिंग इज पिवटेड एट पॉइंट ए, तो ये इसका पिवट बन गया. दिस मीन ये पूरा जो है सॉर्ट ऑफ लिवर है, दिस कैन रोटेट अबाउट पॉइंट ए. जो ये वाली जो चीज नजर आ रही है ना आपको, जो ब्रेकिंग सर्फेस जिस पे अटैच, तो जब मैं फोर्स लगाऊंगा ये चीज पूरी रोटेट करेगी अबाउट ए एंड इट इज गोइंग टू कम इन कॉन्टेक्ट विद द रिम. सही हो क्या? सिंस द शू इज वेरी लॉन्ग, ये आपको जो ब्रेक शू है, दिस थिंग इज नॉट स्मॉल, ठीक है, दिस थिंग इज गोइंग टू बी फेयरली लार्ज. And when we say long, we are mainly talking about in terms of theta. This thing is not a very small quantity in terms of theta. ठीक है, अच्छा खासा circumference cover हो रहा हो. तो जब भी circle का बहुत छोटा से area आप consider कर रहे होते हैं, so let's say we are talking about this small area here, you can approximate this thing as a flat surface. But we can't do that approximation for this entire shoe. ठीक, बिकॉज ऑफ दैट एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट के एक पॉइंट ए के ऊपर ये चीज पूरी पिवटेड है, तो पॉइंट ए पे अगर पिवटेड है, पॉइंट ए के लाइन में जो भी सर्फेस कॉन्टेक्ट में आ रहा है ना, ये कोई भी नॉर्मल फोर्स नहीं लगा रहा, बिकॉज पॉइंट ए फिक्स है ना. पॉइंट ए के साथ वाला जो शू का एरिया है, दिस कैन नॉट पुश इन टू द रिम, सो हेयर द नॉर्मल फोर्स इज जीरो, विच मीन्स द फ्रिक्शन इज जीरो. And the friction force is then going to change throughout this surface. So because this is a big shoe, we cannot approximate the normal force on this thing as constant, yeah, uniform. We will have to find out some sort of formula to calculate how the normal force and then how the friction is changing on this entire surface. Okay? ये बात हमने ऑलरेडी कर ली है कि बिकॉज ऑफ दिस मैकेनिकल अरेंजमेंट नो प्रेशर कैन बी अप्लाइड एट द हील ऑफ द ब्रेक शू. दिस इज द हील ऑफ द ब्रेक शू, ठीक है. ए के एडजेसेंट जो वाला पार्ट है, इस पे किसी किस्म का कोई प्रेशर अप्लाई नहीं कर सकता. तो अ गुड डिजाइन विल टॉक अबाउट दिस. यू कैन एक्चुअली रिमूव मटीरियल फ्रॉम हियर, यू डू नॉट नीड मटीरियल हियर, ब्रेकिंग मटीरियल, बिकॉज यहाँ पे यू कैनॉट एक्चुअली अप्लाई एनी फोर्स. यू मेनली नीड मटीरियल इन दिस रीजन. We will cover all of this again. अभी आएगी ये वाली चीज. तो हम लोग यहाँ पे अपनी कुछ अपने बेसिक बिल्ड करते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट अ फ्यू थिंग्स. हमारा काम ये है कि वी नीड टू फाइंड आउट कि टोटल टॉर्क इस सिस्टम में कितना अप्लाई हो रहा है, जो ब्रेकिंग टॉर्क हमें निकालना है, दैट इज अ मेन जॉब. एंड वी नीड टू चेक द कंडीशन, जिस कंडीशन भी ये चीज सेल्फ लॉकिंग हो सकती है, बिकॉज वी डू नॉट वॉन्ट सेल्फ लॉकिंग. अगर ये चीज सेल्फ लॉकिंग होगी, इसका मतलब ये कि जब मैं फोर्स एफ रिमूव भी कर दूंगा ना, उस वक्त भी आपका जो ब्रेक शू है वो रिम के साथ पुश करता रहेगा. इट विल स्टे देयर एंड वी डू नॉट वॉन्ट दैट. ठीक है, तो वी वॉन्ट टू कैलकुलेट वॉट इज द ब्रेकिंग टॉर्क एंड वी वॉन्ट टू कैलकुलेट वॉट इज द कंडीशन फॉर सेल्फ लॉकिंग इन द सिस्टम. ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं, सबसे पहला काम हम ये कर रहे हैं, हम एक चीज डिफाइन कर रहे हैं. हम कह रहे हैं कि इसके ऊपर थीटा इज बीइंग मेजर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द पिन. जो पिन की जो लाइन बन रही है, दिस विल ऑलवेज बी रेफर्ड टू एज द एक्स एक्सिस. सेंटर ऑफ द प्लेट से लेके एक लाइन पास होगी आपके पिन के थ्रू, दिस विल ऑलवेज बी द एक्स एक्सिस. एंड द वाई एक्सिस विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द शू. एंड दिस जो फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे, दैट विल बी वैलिड इन दिस एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स. अगर आपका शू नीचे की तरफ डायरेक्टेड है, देन यू विल मेक द वाई एक्सिस इन द नेगेटिव, इन द लोअर डायरेक्शन. चाहे उसके लिए आपका राइट हैंड रूल सेटिस्फाई नहीं हो रहा, दिस इज अ राइट हैंड एक्सल सिस्टम, एक्स वाई सिस्टम, राइट. अगर आप एक्स से वाई की तरफ फिंगर कर्ल करेंगे, तो दैट इज अ पॉजिटिव सेंस. अगर आपका राइट हैंड से एक्स से वाई की तरफ फिंगर कर्ल होगी, दिस इज अ पॉजिटिव राइट हैंड
एक्सेस सिस्टम, बट हमें इस पर्टिकुलर केस में क्या करना है, इस केस में हमें ये करना है कि हमें एक्स एक्सिस पास कराना है थ्रू द पिन और वाई एक्सिस विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द शू, जिस भी जगह पे शू, अगर शू नीचे की तरफ होगा वाई एक्सिस नीचे की तरफ आ जाएगा, बेशक लेफ्ट हैंड सिस्टम बंद, डजंट मैटर, ठीक है। तो इस चीज को इंश्योर करना है, सारे फॉर्मूले इस चीज के ऊपर वैलिड। ओके, तो व्हाट वी हैव हियर इज वी हैव टू डिफाइन आवर प्रेशर ऑन दिस शू। सबसे पहला काम है प्रेशर डिफाइन करना। प्रेशर क्यों डिफाइन करना, बिकॉज प्रेशर इज गोइंग टू कंट्रोल के इस सर्फेस के ऊपर कितनी नॉर्मल फोर्स आ रही है, दैट नॉर्मल फोर्स इज गोइंग टू डिफाइन के इस सर्फेस के ऊपर कितनी फ्रिक्शन आ रही है, एंड द फ्रिक्शन फोर्स इज गोइंग टू डिफाइन आवर ब्रेकिंग टॉर्क, ठीक है। तो वॉट वी गोइंग टू से इज गोइंग टू से कि सबसे पहले हम इसमें कुछ ना एक अप्रोक्सीमेट मेथड के थ्रू प्रेशर डिफाइन करेंगे, and for that we are going to say that pressure is going to be a function of our theta. Theta changes from one end of the shoe to the other end. और ये जरूरी नहीं है कि आपके पिन के साथ आपका ब्रेक शू स्टार्ट हो रहा हो, सकता है कि जो ब्रेकिंग मटेरियल है किसी थीटा वन के ऊपर स्टार्ट हो एंड इट गोज अप टू थीटा टू, ठीक हो गया। तो आपके पास एक सर्टेन थीटा से आपका जो फ्रिक्शन मटेरियल स्टार्ट हो रहा है, एक सर्टेन थीटा तक जा रहा है, थ्रू आउट दिस रेंज थीटा वन से थीटा टू तक आपका प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ योर थीटा, ठीक। एंड दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी आर डिफाइनिंग, दैट प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। देन वी आर सेइंग कि आपके पास किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर एक मैक्सिमम प्रेशर भी आ रहा होगा, ठीक है। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस कि मैक्सिमम प्रेशर कहां आएगा इन द नेक्स्ट स्लाइड, बट वी आर जस्ट सेइंग कि वी हैव अ सर्टेन प्रेशर विच इज अ मैक्सिमम प्रेशर, दैट इज पी ए, इस पूरे शू के ऊपर एट सम पॉइंट इज गोइंग टू बी अ मैक्सिमम प्रेशर पी ए, एंड द थीटा फॉर दैट वी आर डेजिग्नेटिंग एज थीटा ए। व्हाट वी आर अप्रोक्सीमेटिंग अवर प्रेशर इज, वी आर अप्रोक्सीमेटिंग अवर प्रेशर एज अ साइन वेव, ठीक है। एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम द ज्योमेट्री, इसकी पूरी डिटेल डेरिवेशन बुक के अंदर है, दैट इज आउट ऑफ योर स्कोप, वी डोंट नीड टू कवर दैट एक्जैक्टली, ठीक है। Pressure is a function of theta, ये हमने पहले डिफाइन किया हुआ है। It is going to be a function of the maximum pressure, which is PA, and the location of the maximum pressure. तो ये पूरी चीज जो है, this is a constant term. एक शू के लिए this is going to be constant. So this is an amplitude of the sine wave. Sine का अपने amplitude one होता है, उसके साथ में एक हमने amplitude multiply करा दिया PA upon sine theta. ठीक है, तो दिस इज योर प्रेशर। सो द प्रेशर इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ साइन वेव, और सिंस दिस एंटायर थिंग इज कांस्टेंट, पी एफ ऑन साइन थीटा कांस्टेंट है, तो पी डिपेंड्स ओनली ऑन द साइन फंक्शन। साइन फंक्शन जीरो के ऊपर भी जीरो होता है और पाई के ऊपर भी जीरो होता है। तो यू हैव दिस साइन वेव विच वी हैव फॉर अवर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये पूरी साइन वेव हमारे सिस्टम में एप्लीकेबल नहीं होगी, हमारे सिस्टम के हमारा हमने कहा था कि हमारा जो शू है दैट इज गोइंग टू स्टार्ट एट लेट्स से थीटा वन एंड एंड एट थीटा टू, तो आपका थीटा वन और थीटा टू जहां पे भी है वो इस साइन वेव के ऊपर कहीं पे लाया कर रहा है, एंड देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। वन, एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपका ब्रेक शू एक्चुअली छोटा है। इफ योर ब्रेक शू इज स्मॉल देन इट इज पॉसिबल कि आप थीटा ए जो है, जो आपका थीटा टू है, थीटा टू इज एक्चुअली लेस देन 90 डिग्रीज, 90 डिग्रीज विल बी इन द मिडल हियर। इफ इट इज लेस देन 90 डिग्रीज, 90 डिग्रीज पे साइन के साथ क्या होता है, 90 डिग्रीज पे साइन इज मैक्सिमम, इट इज वन। तो अगर आप 90 डिग्री से पीछे हैं देन योर साइन वेव इज एक्चुअली स्टिल इंक्रीजिंग। तो अगर आपका पूरा ब्रेक शू 90 डिग्री से कम साइड पे है, दिस मीन्स दैट द मैक्सिमम प्रेशर इज अकरिंग एट द एंड ऑफ योर ब्रेक शू, ठीक है। तो दैट इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी फॉर अ स्मॉल शू, थीटा ए इज एक्चुअली थीटा टू, ठीक है। तो दिस इज द केस व्हेन यू हैव अ वेरी स्मॉल ब्रेक शू। व्हेन यू हैव अ लार्ज ब्रेक शू विच मीन्स कि आपका जो थीटा टू है इज एक्चुअली पासिंग थ्रू 90 डिग्रीज, देन फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन सी कि मैक्सिमम कहां पे होगा, मैक्सिमम विल बी व्हेन साइन इज मैक्सिमम एट 90 डिग्रीज। तो द
In this particular case, when you have a large brake shoe, the maximum pressure is occurring at theta A equals to 90 degrees. So, hum sirf abhi basics build kar rahe hain apne. We are still going to talk about the mechanics of this entire thing. Sahi hai? So, we have said before that jo bhi aapka pin hoti hai, pin ke upar theta is actually zero. And when theta is zero, our equation yahan pe keh rahi hai, when theta is zero, our pressure is zero. And since the pressure is zero, we do not have any sort of friction in the region adjacent to the pin. So what we do is, we remove braking material from this region. We don't want braking material from this region because it is not going to help a lot. We want the maximum braking material to be present in the vicinity of the maximum pressure. So what we want is, we want our braking material to be present around theta A. Theta A ke around kya hoga? Yahan pe pressure maximum hai, yahan pe maximum friction milegi. Meri cost bhi brake kam hogi to get the maximum output. Agar main pure shoe ke upar braking material laga dunga, I'm not getting advantage because the actual pressure in this region is very very small. Okay? So what do? We remove material from this region. So this is all written here. Main sirf abhi aapko ye same cheez explain kar raha hu. हमारे पास पिन के ऊपर कुछ रिएक्शंस आ रहे होंगे. दिस इज द वी आर कॉलिंग आर एक्स एंड आर वाई. हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एफ. दिस इज द एक्चुएटिंग फोर्स. हमने बात की भी कि हमारे पास एक नॉर्मल रिएक्शन होगा एन, एक फ्रिक्शन फोर्स होगी एफ एन. एंड सिंस एन इज अ फंक्शन ऑफ पी, ठीक है, पी का फंक्शन होता है नॉर्मल रिएक्शन, और पी थ्रू आउट चेंज हो रहा है, तो पूरी नॉर्मल फोर्स थ्रू आउट द सर्फेस चेंज हो रही होती है. तो व्हाट वी आर डिफाइनिंग हेयर इज, वी आर डिफाइनिंग अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल फोर्स ऑन अ वेरी स्मॉल एरिया हेयर. तो ये भी पूरी चीज अगली स्लाइड में आ रही है. जस्ट हम एक स्कीमेटिक शो कर रहे हैं कि दिस डीएन इज अ फंक्शन ऑफ थीटा. जैसे जैसे थीटा चेंज हो रहा है, ये डिफरेंशियल नॉर्मल फोर्स चेंज हो रही है. नॉर्मल फोर्स को आप फ्रिक्शन फैक्टर एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगी. ऑल ऑफ दीज फोर्सेज, दीज टू फोर्सेज प्लस दिस फोर्स, ठीक है, दे आर एक्टिंग ऑन द शू. एंड यू हैव टू रिमेंबर समथिंग, द शू इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, द शू इज नॉट रोटेटिंग, द रिम आउटसाइड इज रोटेटिंग, ठीक है. तो आपकी स्टैटिक्स की जो थ्योरी है, दे आर एप्लीकेबल ऑन दिस शू, ठीक है. तो वी विल बी एबल टू अप्लाई स्टैटिक्स टू दिस. हमने प्रेशर ऑलरेडी निकाला हुआ है. नॉर्मल फोर्स एक छोटे से एरिया के ऊपर क्या होगी? तो अगर हमारे पास लेट मी कम हेयर, तो आपके पास ब्रेक शू है, इसका एक छोटा सा सरफेस हमने ले लिया, ठीक है. दिस इज लेट से एट एन एंगल थीटा, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज डी थीटा, द रेडियस इज आर. व्हाट इज दिस सर्कमफेरेंस? दिस सर्कमफेरेंस इज आर डी थीटा. इस ब्रेक शू की कोई ना कोई विड्थ भी होगी, ठीक है, एंड दैट विड्थ वी आर कॉलिंग बी. तो ये जो आपके पास सरफेस एरिया आ रहा है डिफरेंशियल, दिस इज बी आर डी थीटा, ठीक है. बी आर डी थीटा को अगर मैं प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो आई एम गोइंग टू गेट अ नॉर्मल फोर्स. प्रेशर इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑलवेज, राइट? प्रेशर इज नॉर्मल टू द सरफेस. तो आप जब नॉर्मल फोर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट अ नॉर्मल फोर्स. इस नॉर्मल फोर्स को जब मैं फ्रिक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आई एम गोइंग टू गेट माय फ्रिक्शन फोर्स. तो ये चीज यहां पे की गई है. हमने प्रेशर को मल्टीप्लाई कराया हुआ है विद द सरफेस एरिया विच वी जस्ट सॉ. इसमें बी जो है आपके ब्रेक शू की विड्थ है थर्ड डायमेंशन में, ठीक है. दिस इज बी. आर इज जस्ट द रेडियस ऑफ द रिम. थीटा changes from theta 1 to theta 2, ठीक है. जो भी आपका ब्रेकिंग मटेरियल है वो theta 1 से स्टार्ट हो रहा है, इट इज गोइंग अप टू theta 2. PA and sin theta A defines your maximum pressure and the location of the maximum pressure. सही है? अगर मुझे, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना यह है, I have to actually see कि पॉइंट A के अबाउट अगर मैं समेशन m इक्वल्स टू जीरो की इक्वेशन लगाना चाहूं, ठीक है. तो समेशन m इक्वल्स टू जीरो लगा के आई वांट टू सी कि इज देयर अ कंडीशन, इज देयर एनी कंडीशन
कि मेरा फ्रिक्शन का जो मोमेंट है और मेरा जो नॉर्मल फोर्स का मोमेंट है, दे कैन बैलेंस ईच अदर आउट व्हेन एफ इक्वल्स टू जीरो. जब हम आगे आएगा, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, इफ दिस थिंग इज ट्रू देन दिस मीन्स कि दिस सिस्टम इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम विदाउट एनी अप्लाइड फोर्स एफ. दिस इज योर सेल्फ लॉकिंग कंडीशन एंड वी डू नॉट वॉन्ट दिस. ठीक है, तो ये वाली चीज आ रही. तो वी आर एक्चुअली डन विद द टाइम. इसको हम अगली क्लास में देख लेंगे. वी हैव, वी विल टॉक अबाउट के आपके पास फ्रिक्शन फोर्स का मोमेंट कितना है, नॉर्मल फोर्स का मोमेंट कितना है, आपकी एक्चुएटिंग फोर्स इज कमिंग फ्रॉम समेशन एम इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, एंड वी विल टॉक अबाउट के वो कंडीशन क्या है जब आपकी फ्रिक्शन फोर्स, जो आपकी एक्चुएटिंग फोर्स है वो जीरो हो तब भी सिस्टम बैलेंस हो. दैट कंडीशन कम्स आउट टू बी व्हेन योर एम एन इज एक्चुअली इक्वल्स टू एम एफ. तो व्हाट वी वांट इज, वी वांट एम एन टू ऑलवेज बी ग्रेटर देन एम एफ सो दैट अवर सिस्टम डज नॉट सेल्फ लॉक. दिस थिंग इज ऑपोजिट टू द पावर स्क्रूज कॉन्सेप्ट. उधर हम सेल्फ लॉकिंग प्रेफर कर रहे थे, इधर हम वी डू नॉट वॉन्ट सेल्फ लॉक. ठीक है, so let's end this here. We'll talk about this in the next class.